आज हमने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन 11 साल के बाद हमने एक्चुअली रोज ही वैलेंटाइन है, अगर प्रेम है फैमिली में पेरेंट्स के साथ, तो मुझे लगता है आपके साथ जो भी आपके जीवन में है उनका सभी का प्रेम आपके साथ रहना चाहिए। और अगर आप अच्छी फीलिंग से रहते हैं तो एवरी डे इज वैलेंटाइन है। मेरे लिए तो वो रोज ही वैलेंटाइन है, क्योंकि लोगों के बीच में रहना, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना, उनके साथ उनके दुख सुख में रहना, और मेरे लिए और रवि जी के लिए तो वही है। पर यस, ये पर्सनल फीलिंग्स हैं कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ जो रहते हैं आजकल की यंग पीढ़ी में है कि बहुत सारी दुर्घटना होती है जो हम देखते हैं समाज में, पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भावना, पेरेंट्स का प्यार और भविष्य और फ्यूचर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्यार बहुत ज़रूरी है, वो फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है, फेस पे वो ब्लश आना ज़रूरी है, हार्ट में वो हार्ट बीट अलग तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। आज उसी तरीके की फीलिंग मुझे भी आई, बिकॉज जैसे मैं आई, रवि जी ने मुझे मेरे व्यस्त कार्यक्रमों से अर्जेंट कुछ काम है करके ये बरिस्ता में बुलाया और मुझे यहाँ पर सरप्राइज दिया, और रोज देख के आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन करने का ये किया। मुझे लगता है कभी कभी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आप खुद एनकरेज होते हो आगे, और जो लाइफ है उसमें बहुत सारा एक अलग फीलिंग निर्माण होती है। तो मैं सभी को दिल से वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों को, यंगस्टर्स को मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, वैलेंटाइन डे सिर्फ लड़का और लड़की का नहीं, पेरेंट्स के साथ आपको प्रेम देने वाले आपके जीवन में मित्र हसो, आपके फैमिली फ्रेंड्स हसो, फ्रेंड हो, जो भी हो, उन सभी का दिन रहता है। तो आप अच्छे से वैलेंटाइन डे मनाइए और वो फीलिंग्स को सभी फील करते हैं। बस इतना ही कह के सभी को बहुत बहुत वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।